यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। भाजपा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। टिकट वितरण में भी सभी वर्गों को साथ लाया जा रहा है। कई मुस्लिमों को भी इस बार पार्टी टिकट दे रही है। उधर सरकार लगातार जनता से प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील कर रही है। विकास कार्यों को और गति देने की बात कही जा रही है। कानून व्यवस्था, विकास, बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं का भी मुद्दा इस बार चुनाव में भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। इन्हीं सारे विषयों पर अलीगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह से हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर ने खास बातचीत की। नमस्ते, आइए, मेरे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष MLC चौधरी ऋषिपाल सिंह। अब ये निकाय चुनाव जो होने हैं उनका कल का ये अंतिम दिन है, तो आज हम पूछना चाहेंगे उनसे भारतीय जनता पार्टी पंचायती पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलाकर के है। परिवारवाद, जातिवाद और पंथ भाषावाद नहीं है, इसमें राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसके वो ख्वाब देख सकता है, दूसरे राजनीतिक दलों में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर भी टिकट देते समय हमने जाति, क्षेत्र, भाषा, सभी वर्गों का समायोजन कैसे हो सकता है ठीक से, इसका पूरा प्रदेश भर में पालन करने का प्रयास किया है। चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, जाति, सभी धर्म और क्षेत्र की भाषाओं को, पार्टियों को लेकर के साथ चलती है। अलीगढ़ जनपद में भी आपने देखा, देखेंगे आप लोग, अनेकों वार्डों में हमने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, सरदार प्रत्याशियों को उतारा है, और नगर पंचायतें भी हम लोग मुस्लिम समाज के बंधुओं को देने जा रहे हैं। ये सबको साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। आज हम सब लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ दुनिया भारतीय जनता पार्टी को, भारत का उच्च कोट का मार्गदर्शन कैसे मिले, भारत दुनिया में विश्वगुरु कैसे स्थापित हो, भारत दुनिया का नेतृत्व कैसे करे, इसका एक उदाहरण हम सबको देखने को मिला है कि आज G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। और जिस G20 की हम जब चर्चा करते हैं तो भूगोल के क्षेत्र में 65% पर, संपूर्ण विश्व के 65% पर उस G20 की हिस्सेदारी है, और इकोनॉमी की बात करते हैं तो 85% इकोनॉमी की हिस्सेदारी उनकी है। उनकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य आज भारत की बढ़ती हुई ताकत को, मोदी जी के बढ़ते हुए नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, इसलिए भारत को उस अध्यक्षता का अवसर मिला है। मैं आप सब देशवासियों को एक निवेदन भी करूँगा, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी निवेदन भी करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, विश्वास करके चलें, मोदी योगी में विश्वास करें। आज न कहीं गुंडा राज है, न कहीं अराजकता है, न कोई भ्रष्टाचार है। अब कोई 1100 करोड़ का, 11000 करोड़ का कोई माफिया शासन नहीं कर सकता है। आज शासन ईमानदारी का, सत्यता का यही चलेगा। आज अपराधी इस प्रदेश को छोड़ करके, आपने देखा होगा कि कर्नाटक, आंध्र, तमिल, अन्य अन्य प्रदेशों में भाग रहे हैं, उनका कोई स्थान नहीं बन पा रहा है। आज सुशासन की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। बात और ये मेरा अंतिम प्रश्न हुआ थे, क्योंकि एक एक नगर पंचायत से 8-8, 10-10, 11-11 या 12 मांग रहे हैं टिकट, ये कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे जनपद से 170 के करीब आवेदन आए थे।